सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ख्वाहिश म्यूज़िक। सो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम चोर गाना बासी पर बजाना सीखेंगे। सो चलिए बिना कोई देरी किए इस गाने को बासी पर बजाना सीखते हैं। सो इस गाने की पहली लाइन है, सो इस लाइन के नोट्स हैं सा सा प सा सा प गमा गरे दे गे सा सा पा प गमा गरे दे गे सा। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब दूसरी लाइन को बजाना सीखते हैं। सो इस लाइन के नोट्स हैं सा सा प सा सा प गमा गरे दे रे रे गा सा सा प गमा गरे रे 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 गा सा। सो गाइस, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पहली लाइन की तरह। सो इस लाइन को बजाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। सो चलिए अब अगली लाइन को बजाना सीखते हैं। सो इस लाइन के नोट्स हैं सा प प द म सा प प द म। सो उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब अगली लाइन को बजाना सीखते हैं। सो इस लाइन के नोट्स हैं सा प प प म म म म प म ग ग ग ग म ग रे 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 ग रे ग रे सा 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 प प प म म म म प म ग ग ग ग म ग रे 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 ग रे ग रे सा सा। सो इस लाइन को बजाने में बिगनर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये लाइन भी आसानी से बच जाएगी। सो गाइस, इसके बाद गाना दोबारा से रिपीट हुआ है। सो अभी तक आपने जो भी सीखा है उन सभी लाइनों को दोबारा से रिपीट कर देना है। सो चलिए अब अगली लाइन को बजाना सीखते हैं। सो इस लाइन के नोट्स हैं सा प म प म प ग म सा प म प म प ग म। सो गाइस, इस लाइन के एंडिंग में जो मध्यम का यूज हुआ है वह शुद्ध मध्यम है और बाकी सभी जगह तीव्र मध्यम का यूज हुआ है। सो इस बात का ध्यान रखें। और गाइस, इस लाइन को आपको 3 बार रिपीट कर देना है। सो उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। सो चलिए अब अगली लाइन को बजाना सीखते हैं। सो इस लाइन के नोट्स हैं ग रे ग रे ग रे ग रे स ग रे ग रे ग रे ग रे स ग रे। सो गाइस, आपको ये शॉर्ट ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और गाइस, अगर आपको किसी भी गाने के फ्लूट नोट्स अकेले चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.notationsworld.com पर जाके फ्लूट नोट्स देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। बाय।